हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे अपना जो वेबसाइट का जो है SSL सर्टिफिकेट वो कैसे सेटअप करना है, वो सीखेंगे एकदम फ्री में SSL सर्टिफिकेट, और ये एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। तो अगर आप अपना वेबसाइट पे वो सेटअप करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखो, मैं आपको पूरी ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। एकदम फ्री है, आपको कोई भी रुपये नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, मेरा वेबसाइट है, यहाँ पर देखो ऊपर HTTPS के साथ www. मेरा वेबसाइट का नाम है और ये सिक्योर है, ठीक है। ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप कुछ ऐसा ही सेटअप करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट पर आना होगा cloudflare.com। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से सीधा यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना वापस का जो वेबसाइट है उस पर आना है, ठीक है। फ्रेंड्स, वापस वेबसाइट पर आने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो Cloudflare वेबसाइट 1 आवर अपडेट IP, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे हाई यूजर, इफ योर यूजिंग वापकिस वीआ Cloudflare देन प्लेस योर वेबसाइट IP K2 SSL सेट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आपका वेबसाइट पे जो है SSL सर्टिफिकेट सेटअप करने को बोल रहा है, ठीक है, वापकिस। तो आप इस सेटअप जब करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं Cloudflare से आपको SSL सर्टिफिकेट जो है सेट करके बताऊँगा, ठीक है। आपको दिखाऊँगा कैसे सेटअप करना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना फ्री नोम जो अकाउंट है यहाँ पे आपको आना है और इसके बाद माय डोमेन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो, आप जिस डोमेन पे SSL सर्टिफिकेट सेट करोगे उस डोमेन पे आपको आना है, ठीक है। मैनेज डोमेन पे आना है उसका, देख सकते हो ये मेरा डोमेन है और इस पर मैनेज डोमेन पर मैं क्लिक किया और ये जो डोमेन है मेरा, ये वापस साइट पर पार्क है। आपको ये डोमेन ध्यान रखना है, पार्क होना चाहिए अपना वेबसाइट पर, ठीक है, नहीं तो ये नहीं सेटअप होगा। देख सकते हो मेरा यहाँ पे वो पार्क है, वो डोमेन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा Cloudflare पे और एक मिनट फ्री नाम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो फ्री नाम में ओपन किया और आपको स्टेप बाय स्टेप करना है मेरी तरह, ठीक है। तो Cloudflare पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन है, तो आप साइन अप कर लो आप अगर पहले यूज़र हो। और मैं एक साल पहले से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लॉग इन पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको एक पेज ओपन होगी और यहाँ पे आपको दिखाएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मेरा पहले से लॉगिन था इसलिए मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक ईमेल और पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लूँगा इसको। तो देख सकते हो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मेरे अकाउंट है और ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं रिमेंबर मी पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन होगा। और आप अगर पहले यूज़र हो तो आपके ईमेल पे एक मेल जाएगी और उसको वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे लाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एक पहले से डोमेन ऐड है जिसको मैं वीडियो के पहले दिखाया, और ये मैं एक साल पहले इसको यहाँ पे ऐड किया था SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। और अभी भी ये फ्री का चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जिस डोमेन को SSL सर्टिफिकेट सेटअप करना चाहते हो तो उसको पहले कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद Cloudflare पे आओ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद पहले जो कुछ अगर है तो उसको कट कर दो और यहाँ पे ऐड साइड पे क्लिक कर दो, तो आपका जो डोमेन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और थोड़ी देर लोड करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपके सामने कुछ प्लान शो होगा, ठीक है। तो अब अगर पेड वाला लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो मैं फ्री वाला यूज़ करता हूँ। फ्री वाले पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कॉन्फर्म प्लान पे क्लिक करना है। आपको फ्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं फ्री वाला ही यूज़ करता हूँ, मैंने पहले जो डोमेन दिखाया वो फ्री था, ठीक है।
तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फ्री वाला यूज़ कर सकते हो। और मेरा नेट स्लो की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो आपका जो स्कैनिंग है वो आपका जो DNS रिकॉर्ड है वो स्कैन हो रहा है, ठीक है, क्विक स्कैन, तो स्कैन होने देते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे सामने आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। तो यहाँ पे गलती से रिफ्रेश हो गया, कोई बात नहीं, तो फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो www के साथ है, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही रहने देता है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। मेरे गलती से वहाँ पे क्लिक पड़ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो वापिस का जो नेम सर्वर है वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको क्या करना है उसके बाद, यहाँ पे आपको नीचे दो नेम सर्वर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 नेम सर्वर जो नंबर 1 है ये है, नंबर 1 ये है, 2 नंबर, ठीक है, नंबर 2। तो आपको एक नंबर जो नेम सर्वर है इसको कॉपी करना है, और ये सारा कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, मैंने पहले पहले को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फ्री नोम पे आया और यहाँ पे मैनेजमेंट नेम सर्वर पे क्लिक किया। और उसके बाद यहाँ पे नेम सर्वर जो है पहले वाला वो आप किस था इसको मैं वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्लाउड फ्लेयर हो गया है, ये नेम सर्वर पहले वाला, और ये दूसरा वाला भी कॉपी कर लिया। आपको ध्यान से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके 2 नंबर में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद चेंज नेम सर्वर पे क्लिक किया तो मेरा जो नेम सर्वर है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, पहले यहाँ पे आना है और इसको चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको पहले फ्री नोम पे नेम सर्वर चेंज कर लेना है, ठीक है, इस यहाँ पर आपको पहले चेंज करना है और उसके बाद वहाँ पे आपको डन कर देना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो वे चेंज सेव इट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम नेम सर्वर को पहले फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही है नेम सर्वर, यहाँ पे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपको फिर से देखना है, देखो हमारा सही से यहाँ पे सेटअप हो गया। और मैं आपको क्या कहता हूँ, क्लाउड फ्लेयर जो है आपको यहाँ पे आना है, आने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, डन चेक नेम सर्वर, ठीक है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद थोड़ी देर लोड होगा और उसके बाद स्टिल लोडिंग, ये आपका स्टिल लोडिंग हो रहा है, तो होने देते हैं, स्टिल वगैरह कुछ भी वगैरह हो। तो देख सकते हो हमारा जो है ये सेटअप हो गया, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको दिखाने के लिए। अब देख लो ये इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो API जून ID, अकाउंट ID, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप सब कुछ देख सकते हो, आपका जो जून आईडी है, अकाउंट आईडी है, आपका जो भी आईडी है सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। और आप फ्री प्लान बाद में चेंज करके पेड वाला चेंज प्लान जो है वो सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिखाएगी, ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक नया विंडो लेकर मेरा जो डोमेन का नाम है वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो अभी सर्च कर लो, तो शायद ये पहली बार में नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैं पहली बार में ट्राई कर लेता हूँ इस। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देख सकते हो HTTPS डाल दिया, उसके बाद मेरा जो डोमेन का नाम है यहाँ पे डाल लेता हूँ। आप भी सेम इसी तरह से क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। और क्रोम ब्राउज़र मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है,
ये डेस्कटॉप सेट करने के बाद बहुत ही अच्छे से काम कर पाता हूँ मैं यहाँ पर। तो देख सकते हो मैं सर्च किया और थोड़ी देर ये बहुत ही लोड होगा, ठीक है, पहली बार में बहुत ही लोड होगा, शायद 10 सेकेंड। तो देख सकते हो मैं लोड हो रहा है मेरा। और देख सकते हो पहले बार में ये नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर लूँगा। अगर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख सकते हो मेरा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये 100% वर्किंग है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपका भी ये ओपन होगा सेम इसी तरह से। देख सकते हो मेरा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो गया। और मैं आपको इसका SSL सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ, देख सकते हो ये एकदम HTTPS के साथ है और ये मेरा वही वेबसाइट है। देख सकते हो यहाँ पे देखो HTTPS। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अपना वेबसाइट पे आप SSL सर्टिफिकेट एकदम फ्री में सेटअप कर सकते हो, एकदम 100% वर्किंग, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आप मेरे अगर हमारे चैनल पे जो अगर पहले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपको ऐसे ही और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा।